दिया दिया सबसे पहले तो चैन भी और दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि छोटी जातियों में भी एक दूसरे से ऊंचा नीचा बनाए कि भाई हम ये हैं तो हम उनसे ऊंचे ये हैं, हम कोरी हैं या हम जफार हैं, जो भी जातियां हो नाम नहीं लेना चाहिए कि किसी का सम्मान और मान सारे लोग पीड़ित हैं और शोषित हैं और शोषण हो रहा है। मगर हमारी एक बात ये समझ में नहीं आती है कि हम दलित सम्मेलन पिछड़ा सम्मेलन सब ये करते हैं, चार साल तक तो हम काफी सम्मेलन ये करते हैं, मगर जैसे ही चुनाव आता है हमारा महामिशन होता है हम कैसे डाइवर्ट हैं। आपने 2 अप्रैल वाला जो एक पूरा वाक्य देखा कि गुस्सा किसी ने डाइवर्ट नहीं किया और पूरे देश में जो है लोगों ने अपनी पहचान दिखाई कि हमारी ये ताकत है, पूरी शक्तियां ये लग गई कि जो मायावती का वोट बैंक था या जो दलित लीडर थे अब उन्हीं ने सोचा कि ये जन आंदोलन है, लीडरशिप दलितों की खत्म हो रही और उसके हथकंडे शुरू हो, सारे लोग सारी पार्टियां दलित सम्मेलन कर रही हैं, सारे लोग वो बातें कर रहे हैं। आप देखिए इस देश में मुसलमानों की स्थिति देखिए, ना उनके पास रिजर्व सीटें हैं और उनको जो सत्ता में दिया गया है वो अल्पसंख्यक सिर्फ इस वजह से हैं कि वो न सरकारी नौकरियों में है ना शिक्षा में है, वो सारे वो मांग कर रहे हैं उसके बावजूद भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हम दलित जो हैं हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम पढ़े इस वजह से कि हमें ज्ञान अर्जित करना है, हम सरकारी नौकरी के लिए खाली नहीं पढ़ रहे, हमें अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है, हमें कैसे अपनी आने वाली जनरेशन को अवेयरनेस करना है, हमें वोट की ताकत को उन तक पहुंचाना है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो किया है। आज इतना बड़ा आंदोलन हुआ और 131 सांसद सारी पार्टियों के, क्या उनकी आपके बारे में सोच थी? एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताऊंगा उसको आप समझ लीजिए और किस तरीके का दुर्प्रचार होता है उससे आप कैसे लड़ सकते हैं। 1100 सीटें हैं IAS की और आरक्षण में कितनी है जिसमें बैकवर्ड दलित सब में मिला के 500 सीटें समझ लीजिए रिजर्व में, 1100 सीटों के लिए 1,00,000 से ज्यादा लोग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, मगर जो लोग कंपटीशन में नहीं आ पाते तो वो पार्टियों में और वहां जाके जाते क्या करते, अगर आरक्षण नहीं होता तो मेरा बेटा आ जाता, अगर आरक्षण, ये बात दलित नहीं कहते, ये बात जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं वो कभी नहीं कहते कि मैं आ गया अगर सारी सीटें होती। 1,00,000 लोगों में जो बच्चे 1100 नंबर का भी नंबर नहीं आता है वो जाके प्रचार ऐसा करते हैं कि आरक्षण इतनी बुरी चीज है कि आप अगर नहीं होते तो हम ना आ पाते, तो ये जो रूमर फैलता है इसको रोकने के लिए आप लोग संगठित होइए, छोटी छोटी जातियां जितने भी लोग हैं आप जी, तो विषय जो है बड़े इन्होंने काफी अच्छे उठाए हैं। अभी एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है, मैंने अशोक जी को भेजा है, उसमें पूरा मैसेज जो है वो यही है कि आप जिस व्यवस्था को गाली दे रहे हैं कभी उनकी उनकी बातें किया कीजिए कि हमने क्या क्या किया, अगर एकलव का अंगूठा कटवाया है तो द्रोणाचार्य को बड़ा अपमानित किया गया, महाभारत काल में जो है ब्राह्मणों को मनुस्मृतिवादियों को बड़ा अपमानित किया गया, इस टाइप के जो मैसेजेस आ रहे हैं अशोक अज्ञानी जी जो है उस मैसेज को पढ़ के प्लीज सुनाइए। और आप लोग, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग आप ही में से हैं और हमसे लड़ने के लिए जो हथकंडे बनाए जाते हैं इस देश में किसी को मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, मुसलमानों से दिक्कत नहीं है जब तक राजा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
इन्हीं बातों के साथ अगर कोई गलत बात कही हो तो हमें क्षमा करो।